हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में। आप देख सकते हैं कि ये कितनी बार पूछा गया है 2011 से लेकर 2020 तक। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी शाहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। स्वाध्याय तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी ज्ञान अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था के पूर्व भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। फलता वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और अंततः ये क्षय रोग से पीड़ित हो गए, यानी ग्रस्त हो गए। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में ही हिंदी साहित्याकाश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ली। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, वो है कामायनी, आंसू, झरना, लहर आदि, और एक कामायनी जो है वो श्रेष्ठ छायावादी महाकाव्य है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको जितनी नई वीडियो रहेंगी उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।